लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आज अगर हमारे देश में नौकरियों की अगर कमी है तो क्या हमें नौकरी करना है, बस सबको नौकरी करनी है, क्या नौकरी करनी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उल्लासनगर में जो हमारा सिंधी समुदाय है, सिंधी भाई है, पार्टीशन के बाद ये यहां पर रिफ्यूजी बनकर हमारे इंडिया में आए, उल्लासनगर में अपने आए बसे है। आप बताओ मुझे कितने सिंधी नौकरी करते हैं, कितने सिंधी नौकरी करते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं 0.1% भी नहीं होंगे जो नौकरी करते हैं। वो सब बिजनेस करते हैं। क्यों? वो बिजनेस माइंडेड है, क्योंकि उनका बच्चा जैसे ही समझो स्कूल जाता है, थोड़ा सा मैच्योर होता है, वेकेशन होता है ना, वो जाके दुकान में बैठता है, वो जाके फैक्ट्री में बैठता है, वो जो भी व्यापारी हो पापा के साथ जाके बैठता है, वो बचपन से ही वो सारी चीजें लेता है। और हमारे बच्चे वेकेशन में क्या करते हैं, झुकु 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 अगेन गाड़ी मामाचा गावी जाऊ या पड़ती झाड़े पाऊ या, मतलब बचपन से हम यही सीखते आए कि हमारा मेंटेलिटी क्या है कि वेकेशन लगा तो मामा के घर पे जाना है, उधर एंजॉय करना है, फिर आना है, फिर पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके नौकरी करना है। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा, सेवा का लाभ उठाइए। सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ rishto.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतज़ार कंदो हुजे। rishto.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर की सामाजिक संस्था अशोका फाउंडेशन ने 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन कक्षा के विद्यार्थियों को प्रथम उल्लेख के साथ उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और छायावृत्ति के साथ ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अशोका फाउंडेशन के संस्थापक शिवाजी रगड़े ने वहाँ मौजूद विद्यार्थियों का हौसला बढ़ाया। उल्लासनगर के सम्राट अशोक नगर में अशोका फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है जो पिछले 2 दशकों से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में काम कर रहा है। फिर हर साल की तरह इस साल भी सम्राट अशोक नगर स्थित मातोश्री रमाबाई अंबेडकर विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। पूर्व नगर सेवक और RPI के उपाध्यक्ष महादेव सोना ने, पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े, पूर्व नगर सेविका रेखा ठाकुर, पूर्व नगर सेविका सुमनताई शेलके, बुद्ध विहार विकास समिति के अध्यक्ष देवीदास त्रुभवन, NCP नेता जमील खान, पूर्व नगर सेवक गजानन छेलके, कांग्रेस नेता राधाचरण करोदिया, मोनू सिद्दीकी, पूर्व आयकर अधिकारी सोमकुमार जी, शालिनी गायकवाड़ और अशोका फाउंडेशन के संस्थापक शिवाजी रगड़े, इनके हाथों से विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में दशरथ चौधरी, आदिनाथ पालवे, तानाजी माली, साठे सर, समाधान प्रधान, अखिलेश गुप्ता, उगले साहेब, जवाले साहेब, देसले साहेब, पांडे साहेब, मुंजा मुले, संतोष मिसार, मुदलियार मैडम, शालिनीताई गायकवाड़, दीपाली वाघ, रेणुका गायकवाड़ भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार व्यक्त किए और विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का निर्देशन प्रोफेसर विकास डोके ने किया और आभार अशोका फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद गन बहादुर ने। कार्यक्रम को सफल बनाने में अनिल रोराले, रूपेश डोके, प्रवीण गन बहादुर, राजवाग और सभी अशोका फाउंडेशन के सदस्यों ने अच्छा प्रयास किया। हर साल की तरह इस साल भी अशोका फाउंडेशन द्वारा पैनल नंबर 12 में 2023 में 10वीं, 12वीं और जो बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उनका गौरव करने का, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। हमारे पूरे पैनल से 88 बच्चे थे जिन्हें सम्मानित किया गया, 10, 12 और जो ग्रेजुएट थे। जो पैनल के टॉप 3 थे उन्हें स्पेशल अवार्ड देके, जो फर्स्ट आए थे उन्हें अशोका फाउंडेशन द्वारा हर साल स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो ऐसा भव्य दिव्य कार्यक्रम अशोका फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था नगर सेविका सविता ताई तोरणे रगड़े इनके मार्गदर्शन में और अशोका फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रमोद घन बहादुर, समाधान वाघ, सुनील खांडेकर, रूपेश राज और हमारी पूरी टीम के सहयोग से
ये कार्यक्रम का यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजन हुआ था, जिसमें हमने मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज और जैसे टॉपर से उन्हें स्कॉलरशिप दी गई। इस कार्यक्रम के में मुख्य अतिथि के तौर पर नगर सेविका सविताई तोरने रगड़े, गजानन शेड़के जी, सुमनताई शेड़के, जमील खान जी, देवीदास त्रिभुवन साहब, के पी सोमकोर जी, दशरथ चौधरी जी, रामेश्वर गवई, दुर्गेश पांडे तथा तमाम जो यहाँ के ज्येष्ठ नागरिक थे वो यहाँ पर उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर सिंधी एजुकेशन सोसाइटी की सेक्रेटरी रेखा ठाकुर मैडम वो भी उपस्थित रहे और उनकी उपस्थिति में बच्चों को सम्मानित किया गया। इस सफलतापूर्वक कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं अशोका फाउंडेशन के सभी टीम को धन्यवाद देता हूँ और सभी पास हुए उत्तीर्ण हुए बच्चों को उनके आने वाले भावी आयुष्य के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।